चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव ने तो राज्य सूचना आयोग और ना ही कलेक्टर और ना ही विकास अधिकारी के आदेश को मान रहे हैं। ऐसे में करीब 22 माह से एक व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के लिए कभी ग्राम पंचायत तो कभी पंचायत समिति तो कभी कलेक्टर के चक्कर काट रहा है। इस मामले में कलेक्टर एवं विकास अधिकारी ने ग्राम सचिव का सूचना देने के लिए लिखित में आदेश दिए, लेकिन सूचना नहीं दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला ग्राम पंचायत निवासी शिवलाल माली ने गत वर्ष 15 जनवरी 2020 को अकोला ग्राम पंचायत में आवेदन कर ग्राम पंचायत अकोला से 3 सूचनाओं को नियमानुसार शुल्क लेकर उनकी छाया प्रति उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद से वह आज तक वह ये वांछित सूचना पाने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा है। आवेदक शिवलाल माली ने ग्राम पंचायत की सभी निजी दुकानों के लिए निर्माण से लेकर दिसंबर 2019 तक ग्राम पंचायत की दुकानों की बोली लगाकर दुकान लेने किराएदार के नाम, उसके द्वारा किराए की बोली की राशि व उनके द्वारा कितना किराया जमा कराया गया, वह डिफाल्टर के नाम व उनका नाम, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, उनकी मैं रसीद की छाया प्रति मांगी थी। दूसरी सूचना में ग्राम पंचायत की दुकानों के सभी डिफाल्टर दुकानों के नाम में उनकी जमा बकाया किराया राशि की सूचना मांगी। तीसरी सूचना में ग्राम पंचायत अकोला द्वारा लगाई गई सभी निर्मित दुकानों की प्रथम किराए की बोली से लेकर 2019 तक प्राप्त आय व्यय का ब्यौरा मांगा। ग्राम विकास अधिकारी पारस विश्नोई का कहना है कि राज्य आयोग के फैसले के तहत फैसले के अनुसार रिकॉर्ड अवलोकन के लिए शिवलाल को बुलाया गया। दुकानें निर्माण से लेकर आज तक समस्त नीलामी के आय दे की फाइलें सामने पड़ी है, देख लेवे। एक मिनट सर, मैं बोलता हूँ। सर, आज जो शिवलाल यहाँ पे जो आए थे, क्या क्या मामला था? ग्राम पंचायत ने उनको माननीय राज्य सूचना आयोग के फैसले के निर्णय के अनुसार उनको दिनांक 16 के लिए उपस्थित होने का कार्यालय समय में रिकॉर्ड अवलोकन के लिए बुलाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत ने उनको जो बिंदुवार जो उन्होंने सूचना चाही थी उस बिंदुवार सूचना के तहत उनको दुकानों के निर्माण से लेकर आज दिनांक तक की समस्त नीलामी की फाइलें और जितना किराया आज दिनांक तक जो जमा हुआ उनकी रसीद की प्रति, जैसे ये रसीद की प्रति रही और जैसे ये फाइलें रही रसीद की प्रति, और जिनका जितना किराया जमा हुआ उनका किराया जमा नामा रजिस्टर जब निर्माण से लेकर के आज दिनांक तक। और इसके अलावा उन्होंने मांगा कि दुकानों पर जमा किराया का आय व्यय का विवरण, तो उनको केस निकलेगी जिससे वो सर संतुष्ट नहीं। हम संतुष्ट आप जाइए आगे का रास्ता खुला, जाओ ठीक है, जाओ अकोला ग्राम पंचायत। अरे अटे थोड़ो काम हो जो आयो बस रवाना वीर हूँ तो। हाँ, मैं एज ए सोशल कार्यकर्ता निवासी बांसवाड़ा। आज मतलब क्या शिवलाल के समर्थन में मतलब क्या एक पेश हुआ आईटीआई से संबंधित, जिसने कोई सूचना मांग रखी थी, निर्णय आदेश हो गए थे कोर्ट के राज्य सूचना आयोग के, इससे संबंधित हमने आज ये आवेदन पेश किया 16/12/2021 समर्थन में माननीय राज्य सूचना आयोग के एवं श्रीमान सचिव महोदय को पेश किया और मूल आवेदन पेश करके इन्हें प्राप्ति रसीद ली। प्राप्ति रसीद लेने के पश्चात इन्होंने मूली रसीद एवं पत्रावली पर उपलब्ध तीनों ही दस्तावेज वापस उन्होंने प्राप्त कर लिए। ऐसी स्थिति में हमको मतलब क्या जो दस्तावेज चाहिए ना तो वो दस्तावेज मिले और ना ही मतलब क्या प्राप्ति रसीद मिली, इसलिए मतलब क्या उचित कार्रवाई आदेश प्रदान करा। आज ग्राम पंचायत में आप पैनल में सूचना कहता है जो इन्होंने कागज दिया उसका अवलोकन करने के लिए, तो अवलोकन बताया आपका, अवलोकन हो गया है आपका? अवलोकन बताया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ अवलोकन से। मेरे 15/1/2020 को जो मैंने सूचना का संबंधित आवेदन किया था उसमें मेरे को कोई बताया नहीं गया, और दिनांक 29/12/2020 को जो ग्राम पंचायत अकोला ने कार्रवाई की थी मेरे हाथ ठेला गाड़ी पर और ये लूटमार करवाई, उसके किसका आदेश था यह मेरे को नहीं बताया, और इन्होंने मेरे पाँचों ही हाथ ठेला गाड़ी को यहाँ ला के पंचायत में खड़ा कर दिया। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा इसका कोई जवाब मेरे को नहीं दिया गया। तो आप संतुष्ट होंगे? मैं असंतुष्ट हूँ, मेरे को पूरी जानकारी आई हुई क्या बोरा इन्होंने पेश नहीं किया, और मैंने ये लेकर जयपुर से निर्णय आदेश क्रमांक 10/26/47 निर्णय आदेश की पालना में एवं ग्राम पंचायत आदेश क्रमांक 66/8/12/21 की पालना में प्रति आ दिनांक 16/12/2021 में स्वयं एवं मेरे साथी मित्रगण उपस्थित हुए, परंतु मेरे साथी मित्रगणों को ऑफिस से बाहर निकाला। तत्पश्चात मुझ प्रति के मोबाइल को संबंधित सचिव पारस जी विश्नोई ने मेरी जेब से निकाला, पश्चात अवलोकन हेतु दस्तावेज अनुरोध किया।
लेकिन चाही गई आवेदन अनुरूप किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कराया गया एवं रहे अतः उक्त दस्तावेजों को देने से टालम टोल करते रहे, अतः है इस माननीय सूचना आयोग के निर्णय आदेश का उल्लंघन हुआ तथा प्रकरण भ्रष्टाचार से संबंधित होकर अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी अपने सत्य निष्ठा से पालन नहीं कर मात्र मुझ अपराधी को पीड़ित कर तड़पाया, इस हेतु संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उचित एवं विधि अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई किया जाना न्यायोचित एवं उचित कार्रवाई किए जाने के निर्देश संबंधित उच्च अधिकारियों को न्याय हित में किया जाना प्रतीत होता है। यह स्टैंडर्ड नए अपराधी पत्र पत्रिका में श्रीमान संपादक महोदय को प्रस्तुत करता हूँ एवं आज की मुझ अपराधी द्वारा जो आवेदन पेश किया उसकी प्रति साख संलग्न है और मेरे पांचों हाथ ठेला गाड़ियों को उसको अपराधी को उपलब्ध करवाया जाए जो बिना आदेश इन्होंने लूट मार करवाई उसके किसका आदेश था और घटनास्थल का वीडियो देखा जाए ये मैं बता रहा हूँ आपको। पाँचों हाथ ठेला बिल्कुल ये बेकार हो गई है हाथ ठेला गाड़ी और आदेश नहीं है इसे, बिना आदेश के इन्होंने कार्रवाई की, इसके नुकसान की भरपाई करवाई जाए ठीक है, जो इसका नुकसान हुआ है ठीक है, इस नुकसान की भरपाई करवाई जाए।